हाय एवरीवन, तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो को जरूर शेयर करना कि मिनिस्ट्री तक पहुंचे, बिल्कुल वायरल हो जाना चाहिए क्योंकि यार यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें एक्सपोज कर रहे हैं। वीडियो के एंड में हम आपको वो प्रूफ्स भी दिखाएंगे वीडियो के फॉर्मेट में, या यू नो जो आज एक क्वेश्चन आया था जैसे 5 अप्रैल के टाइम पे उसकी फोटो, ये सारी चीजें ये बाहर निकल रही हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सारे के सारे बच्चे, बिकॉज वी नीड टू स्टॉप दिस। एक ऐसा टाइम भी होता था जब यू नो जेई को कैंसिल कर दिया जाता था अगर हल्का सा भी शक होता था। तो सो डू वॉच इट टिल दी एंड, लव यू ऑल। तो जितने भी बच्चे जेई दे रहे हैं, तो मैंने कल आई थिंक सबसे पहले बताया था कि चीटिंग हो रही है, चीटिंग के कुछ प्रूफ मैंने आपको दिए थे एंड एट द सेम टाइम वीडियो प्रूफ भी दिया था उसके बाद। एंड ये इसलिए था क्योंकि इस बार बहुत रैम्पेंटली बच्चे मुझे बता रहे थे, कुछ बच्चे जिनको इसके बारे में आइडिया था, कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं सर ये शायद फेक हो सकता है ना, ये शायद कोई बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहा है। अब एनटीए ने खुद ने बोला कि चीटिंग हुई है, इंस्टेंट कई और प्रूफ्स मैं अटैच कर रहा हूं जो क्वेश्चंस इस बार के ही हैं उनका भी स्नैपशॉट आ चुका है। कल वालों पे तो बच्चों ने बोला था कि शायद ये इस पेपर का नहीं है, उस पेपर का नहीं है, लास्ट ईयर का है एंड दिस एंड दैट। तो बेसिकली इसमें बहुत सारी लॉबीज बन गई थी, बहुत सारे यूट्यूब के बड़े बड़े क्रिएटर्स, बड़े बड़े मैंने से जिनका 1 मिलियन से भी ऊपर सब्सक्राइबर बेस है, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि नमो सर आर यू श्योर अबाउट इट, दे वर ट्राइंग टू प्ले इट सेफ। एट द सेम टाइम उनमें से कई सारे लोग ऐसे भी थे जो पीछे से जाकर बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। और ये व्यूज की एक्सरसाइज है बेटा, हम उस दौर में हैं जहां पे आपको पता है कि यार लोग व्यूज के लिए मतलब कैमरे के सामने अपने कपड़े बदलते हैं, है ना। एट द सेम टाइम पता नहीं क्या क्या होता है स्क्रीन पे, बट द थिंग इज कि यार जो भी लेजिट चीज है वो बताना जरूरी है। मैंने अपने ट्विटर के ऊपर जो चीजें चल रही थी, कई सारे बच्चों ने 27th के अटेम्प्ट के लिए भी बोला था कि बहुत ज्यादा चीटिंग हुई थी, बट आई डिड वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि पहले दिन में क्यों हो रही है चीटिंग। अगर किसी को पता तो कमेंट्स में जरूर बताना, देयर इज सम लिंकेज विद द फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ऐसा कुछ होता है। कई लोगों ने बोला कि इसमें कुछ इंटरनल लोग भी इन्वॉल्व है, अगर है तो एक्सपोज करा जाए, ठीक है। एट द सेम टाइम पूर्णिमा मैम आपका क्या से है इसमें, तो पूर्णिमा मैम आपका क्या से है इस पूरी सिचुएशन में? सो आपने ये बात तो सही कही नमो सर के अंदर के लोग इन्वॉल्व होते हैं और इसके अंदर सबसे ज्यादा ग्राउंड स्टाफ जो होता है वो इन्वॉल्व होता है इन्विजिलेटर। फॉर एग्जाम्पल कोटा की अगर मैं बात करूं तो कोटा के अंदर में 4 बच्चे एक सेंटर में अपनी इन्विजिलेटर मैडम के पास में जाते हैं और उन्हें 1000 रुपीज पर हेड ऑफर करते हैं कि मैम हमको प्लीज हमारा फोन अंदर ले जाने दीजिए। माना मतलब 1000 रुपए बड़ी चीज होती है आज की दुनिया में भी, और 4000 रुपए उन इन्विजिलेटर को मिले, उन्होंने सच में फोन अंदर अलाउ कर दिया। वो चारों बच्चे एक साथ बैठे भी, उन्होंने अपने फोन को भी यूटिलाइज किया, और ये बात है कोटा की। इसी के साथ साथ में आज भी हमें इतनी सारी चीजें देखने को मिली जहां पर, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये बात हमें एनटीए से ही पता चली थी कि एनटीए के अंदर के जो इन्विजिलेटर्स होते हैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्योंकि उनको एक दिन पहले ही बताया जाता है कि उनका सेंटर क्या है, तो एनटीए नोज अबाउट दिस। यस सर, और बिल्कुल, और इसके अंदर में जो ग्राउंड स्टाफ है उनको कहीं ना कहीं कसा नहीं जा रहा, ऑल्दो एनटीए ने इस बार चीटिंग पकड़ी भी है, इन्होंने नोटिस भी जारी किया, लेकिन इन्होंने सिर्फ 10 केसेस को पकड़ा है, द रियल नंबर इज एक्सट्रीमली हाई। और आपने जो बात कही कि पहले दिन ऐसा क्यों, क्योंकि शायद पहले दिन बहुत कुछ हुआ था जनवरी के अंदर में, तो उसके जो घाव थे बच्चों के मन में वो अभी भी ताजा हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि एकदम से नहीं 4 अप्रैल को ज्यादा बच्चे बैठेंगे, दे नीड बैकअप, और बैकअप के लिए अपने फोन ले गए और इतने सारे वहां पर बातचीत हुई, चार पांच लोग साथ में बैठ करके पेपर सॉल्व किए। कुछ सेंटर्स पे बच्चों ने पेपर 12:30 के ऊपर में सबमिट किया है कल 4th अप्रैल को। सो देर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज जो इंडिया के अंदर देखी गई। कल 2.25 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, उसके अंदर काफी सारे ऐसे इंस्टेंसेस हमको पर्सनली पता है क्योंकि बच्चे हमसे ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। इट इज रियली हार्ट ब्रेकिंग इंस्टेंट समीर सर, याद है जब हम स्टूडेंट्स थे तो हमें हमारे टीचर्स बताते थे कि यार पता है एक टाइम पे एक ईयर था जब IIT जेई में एक जगह एक सेंटर में लीक हुआ था और फिर से पेपर मतलब रिकंडक्ट किया गया था जब उनको हल्का सा भी शक हुआ। राइट, तो ये कौन सा कलयुग है सर जहां पे मतलब इतने हाई कट ऑफ जा रहे हैं और कोई मतलब कोई कुछ नहीं कर रहा कि बस हो गया तो हो गया। नहीं, अब इसके अंदर मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे इट वाज बहुत कम बच्चे हुआ करते थे तो वहां पर मैनेजमेंट ज्यादा इजी था। अभी यहां पर जो है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। बट मुझे इसमें उन बच्चों का यहां पे बुरा लगता है जो यहां पे जो है 2-3 साल मेहनत करते हैं एंड देन उनका पेपर फॉर सम रीजन अच्छा नहीं जा रहा है और देन देयर आर स्टूडेंट्स जिनको यहां पे अनफेयर मींस की वजह से यहां पर जो एंट्री मिल जाती है। आई थिंक दीज थिंग्स नीड टू बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल। ये बहुत ज्यादा मतलब बच्चों के साथ में जो जेन्युइन बच्चे उनके साथ में काफी गलत हो रहा है।